तो आप देख रहे हैं देवभूमि। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के विकास में महिला की शक्ति की भूमिका पर विषय पर एक आयोजित वेबिनार में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण से लेकर राज्य के विकास में हमारी माताओं बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह बेहतरीन काम कर रही है। राज्य में स्थापित किए गए ग्रोथ सेंटर्स में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। महिला शक्ति की भागीदारी के बिना राज्य की आर्थिकी में सुधार की संकल्पना नहीं की जा सकती थी। महिला शक्ति की भूमिका विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में महिला शक्ति की भूमिका विषय पर आयोजित हुआ वेबिनार राज्य के विकास में हमारी माताओं बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो महिला शक्ति की भूमिका विषय पर वेबिनार में सीएम ने प्रतिभाग किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका विषय पर यह वेबिनार का आयोजन हुआ था। राज्य के विकास में हमारी माताओं बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो महिला शक्ति की भूमिका पर यह एक वेबिनार का आयोजन किया गया था जिसमें शामिल हुए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। रेजिडेंट राइटर फहीम तनहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, त्रिवेंद्र सिंह रावत आज एक वेबिनार में शामिल हुए जो महिला शक्ति के विषय पर था, क्या कुछ इस वेबिनार में कहते नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत? देखिए तुषार, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो राज्य सरकार काफी योजना चला रही है और कोरोना काल में महिलाओं की भूमिका को लेकर के भी कई पहलुओं पर विचार हुआ। हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता रहे कि सीएम ने आज महिला शक्ति की भूमिका विषय पर वेबिनार में प्रतिभाग किया था और महिला शक्ति की भूमिका विषय पर यह वेबिनार आयोजित हुआ था। तो राज्य के विकास में हमारी माताओं बहनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, यह सीएम की तरफ से कहा गया। तो ग्रोथ सेंटर्स में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके अलावा वेबिनार में उन्होंने कहा कि राज्य के निर्माण, राज्य के विकास, इन तमाम कामों को जब भी किया गया तो महिलाओं ने अपनी भूमिका को बड़ी ही सजगता के साथ आगे रखा और ग्रोथ सेंटर्स में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनका भी आज जिक्र त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया गया। तो उत्तराखंड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका पर आयोजित था एक वेबिनार और उसी वेबिनार में त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन वर्चुअली शामिल हुए थे, उसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेजिडेंट राइटर फहीम तनहा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अपनी बात को जारी रखिए। कोरोना काल में भी जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर के सरकार ने काम किया है और उसी मकसद से ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वेबिनार का आयोजन किया गया था इस सीएम की तरफ से, और इसमें महिलाएं कई जो जुड़ी हैं, जिस तरीके से हम देखें कि विधायक रितु खंडूरी जुड़ी, मुख्य अपर मुख्य सचिव जुड़ी, क्रिकेटर, पेटीएम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये तमाम लोग जुड़े। तो इस वेबिनार में मुख्य तौर पर रहा है कि जो महिलाओं का योगदान है उसको और किस तरीके से बेहतर और प्रभावी ढंग से राज्य के विकास के साथ साथ महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने में किया जाए, उसको लेकर के इसमें फोकस रहा है। क्योंकि कई राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं तुषार जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर के हैं और उसमें और किस तरीके के सुधार किए जा सकते हैं, और विशेष तौर पर जो डिजिटल इंडिया है, जो ऑनलाइन वर्किंग है, उसको इसमें समाहित करते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किस तरीके से, चूंकि राज्य सरकार ने ग्रोथ सेंटर बनाए हैं 13 के 13 जिलों में, और ग्रोथ सेंटर में महिलाओं की भूमिका बहुत प्रभावी ढंग से रखने की कोशिश की जा रही है, और उत्तराखंड महिला आंदोलन का एक बड़ी भूमिका रही है उत्तराखंड में महिलाओं की, और बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड की जो महिला है बहुत सशक्त और कर्मठ होती हैं, तो लिहाजा उनकी भूमिका को उसमें
सतर्क तौर पर रखा जाए, तमाम पहलुओं पर इसमें बात की गई है जी। साथ ही साथ देखा जाए जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से महिलाओं को आज जरूर सम्मान दिया गया। एक और खबर पर आपसे जुड़ेंगे फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं देहरादून से खबर कि विवादों में रहने वाले विधायक का कुंवर प्रणब चैंपियन ने एक बार फिर माफी मांगी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन के सामने पहुंचकर चैंपियन ने माफी मांगी। बीजेपी में वापसी के बाद अपने गृह क्षेत्र में चैंपियन ने निकाला था जुलूस। राइफल ताने लाओ लश्कर के साथ जुलूस पर पार्टी ने चैंपियन को तलब किया था। बीजेपी ने विधायक का चैंपियन पर कोरोना काल तक जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते विधायक चैंपियन को भी क्वारंटीन रहने को कहा गया। ये लाओ लश्कर के साथ चैंपियन ने अपना पूरा काफिला निकाला था। फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, जिस तरीके से ये कुंवर प्रणब चैंपियन ये काफिला निकालते नजर आए लाओ लश्कर के साथ, उसके ऊपर उसके बाद उनका प्रतिबंध लग गया उनके ऊपर, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं इसके बाद इनकी तरफ से आई हैं? बिल्कुल, देखिए चैंपियन को ही कहा जाता है कि विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन दरअसल विवादों के चैंपियन के तौर पर अब चर्चाओं में रहते हैं और इसका जीता जाता उदाहरण है कि अभी चार दिन पहले ही उनका निष्कासन वापस हुआ बीजेपी में, निष्कासित कर दिया गया था उनकी घटनाओं और हरकतों के चलते। तो लिहाजा जिस दिन वापसी हुई उस पार्टी में उसी दिन उन्होंने अपने घर के लिए जब रवानगी की खानपुर को देहरादून, तो रास्ते भर में उन्होंने लाल लश्कर के साथ जुलूस निकाला, राइफल उनके सहयोगी लगाते नजर आए और पूरा बहुत लाल लश्कर जिस तरीके से उन्होंने किया उसको लेकर के फिर पार्टी ने संज्ञान लिया था और उनको तलब किया था और माफी मांगी है चैंपियन ने संगठन महामंत्री के समक्ष कि वो आइंदा फिर इस तरीके का जुलूस इस तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उनको माफ तो कर दिया गया है लेकिन आगे के लिए चेतावनी दी है कि इस तरह का कोई जुलूस अभी कोरोना काल तक किसी भी सूरत में ना हो, अपना आचरण ठीक रखें, पार्टी की मर्यादा और अपना अपनी गरिमा को बनाए रखें, क्षेत्रों पर जरूर ध्यान दें और साथ साथ उनको क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है तुषार, क्योंकि जब बीजेपी अध्यक्ष से वो मिलकर के गए थे वापसी में जब कार्यक्रम था उनका, तो लिहाजा क्योंकि पॉजिटिव है बंशीधर भगत तो उनका इलाज चल रहा है, लिहाजा चैंपियन को भी कहा गया है कि वो दूरी बनाकर रखें और क्वारंटीन रहे। तो अब देखना होगा कि इस नसीहत का क्या चैंपियन पर असर होगा, क्या फिर वो अपनी उसी कुछ दिनों के बाद वो, क्योंकि माना जाता है कि ये प्रवृत्ति में शामिल है चैंपियन की, विवाद में रहते हैं और दूसरों की और नियम कायदों की परवाह ज्यादा नहीं करते हैं। तो बहरहाल एक बार फिर से उन्हें एक हफ्ते के अंदर दो बार माफी मांगनी पड़ी है, एक दिन निष्कासन वापस होने के दिन और चार दिन के बाद अब फिर दोबारा हरकत करने को लेकर के उन्होंने माफी मांगी है। लिहाजा आगे वो किस तरह से रवैया रहता है, उनका किस तरह से आचरण रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सुनी मन की बात, आवास पर होम आइसोलेशन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं से संपर्क भी किया, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और दूरभाष पर अपनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संपर्क किया है। पीएम ने आज दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष ने ये आज प्रतिक्रिया मन की बात को सुनने के बाद दी है। तो उसी दौरान की तस्वीर जब मन की बात सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष, होम आइसोलेशन के दौरान ही पीएम मोदी के मन की बात सुनते नजर आए। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उस पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। साथियों, अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जरूर देख सकते हैं। साथियों, भारत एक विशाल देश, प्रतियोगिताएं हो उनमें अवेयरनेस बढ़े इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। तो वहीं जेईई नेट की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने ऑनलाइन होने वाली परीक्षा के लिए दो नोडल अधिकारी नामित किए हैं, साथ ही अभ्यर्थियों के ठहरने समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जरूरी दिए हैं। और आपको बता दें कि हरिद्वार में जिले में परीक्षा के दो केंद्र बनाए गए, इनमें से एक हरिद्वार सिटकुल बाईपास चौक बहादुराबाद में और दूसरा पुहाना में है। तो हरिद्वार में दो केंद्र बनाए गए हैं इस परीक्षा के लिए। 13 सितंबर को यह परीक्षा होनी है, जेईई नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी और प्रशासन ने पूरी तैयारी इसके लिए कर ली है। जिस तरीके के ऑनलाइन परीक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने नामित किए दो नोडल अधिकारी। तो
खबरें के बारे एक बार फिर आप सभी का स्वागत। नीट की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं और जिलाधिकारी सी रविशंकर ने ऑनलाइन होने वाली परीक्षा के लिए 2 नोडल अधिकारी नामित किए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के ठहरने समेत अन्य व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। हरिद्वार में 2 केंद्र हैं जो कि नीट की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। सुमित, क्या तैयारियां वहां पर हैं, क्योंकि 13 सितंबर को एग्जाम होगा? सर, ये 13 सितंबर को नीट की तैयारी नीट का एग्जाम होगा। अभी फिलहाल जेई की परीक्षा का की तैयारी की गई है, उसके लिए 13 सितंबर से नई गाइडलाइन आएगी। लेकिन जो इसकी तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर भगवानपुर में है और एक सेंटर भादराबाद में बनाया गया है। इसके लिए 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि जो बाहर से जो लोग आने वाले हैं उनके रहने की व्यवस्था भी बना ली गई है। क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो कोरोना उससे संबंधित है। इसके लिए तमाम जो गाइडलाइन है उनको भी उनके तहत जो रहने की व्यवस्था बनाई गई है। तमाम धर्मशालाओं को सैनिटाइज किया गया है, जहां पर लोग रुके जो जहां पर परीक्षा के लिए आने वाले छात्र जो रुकेंगे उसके लिए पूरी तरह से इंतजाम कर लिए गए हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मसूरी देहरादून रोड के भट्टा गांव पर घूमते हुए सड़क किनारे भुट्टा बेच रहे दुकान पर पहुंचे और स्वयं दुकान में खड़े होकर भुट्टा भूनने लगे। इस दौरान उनके द्वारा मसूरी के भुट्टा गांव के भुट्टे की विशेषताएं भी बताई गई। हरीश रावत बताते हैं कि मसूरी के भट्टा गांव का भुट्टा काफी स्वादिष्ट है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हल्द्वानी के निकट जमरानी गाँव के भुट्टे काफी मशहूर है, उसी तरीके से भट्टा गाँव के भुट्टे भी अपनी ही बात है। पूर्व सीएम है हरीश रावत, जिनकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक दुकान पर पहुंचे भुट्टा खाने के लिए तो वहां पर भुट्टा भूनने लगे और सड़क किनारे दुकान पर बेच रहे भुट्टा उस व्यवसायी के भुट्टा भूनकर उन्होंने भुट्टे की खूबियां बताई कि ये भुट्टा क्यों फेमस है और क्या खासियतें यहाँ के भट्टा गाँव के भुट्टे की होती है। गांव का भुट्टा है, उसी तरीके से मसूरी के भट्टा गांव भुट्टा मेरे पास जो है जिसका बीज कभी मैंने दिया था, ये हमारे तरीके का स्वादिष्ट भुट्टा है। जमरानी अमृतपुर गांव का भुट्टा है, उसी तरीके से मसूरी के भट्टा गांव भुट्टा मेरे पास जो है जिसका बीज कभी मैंने दिया था, ये हमारे तरीके का स्वादिष्ट भुट्टा है। जमरानी अमृतपुर गांव का भुट्टा है, उसी तरीके से मसूरी के भट्टा गांव भुट्टा मेरे पास जो है जिसका बीज कभी मैंने दिया था, ये हमारे तरीके का स्वादिष्ट भुट्टा है। जमरानी अमृतपुर गांव का भुट्टा है, उसी तरीके से मसूरी के भट्टा गांव भुट्टा मेरे पास जो है जिसका बीज कभी मैंने दिया था, ये हमारे तरीके का स्वादिष्ट भुट्टा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्य खनिज विकास परिषद अध्यक्ष राजकुमार पुरोहित अपने निजी दौरे पर देर शाम मसूरी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में बढ़ रहे संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा अस्पतालों के अलावा वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। हरिद्वार से खबर। रिहायशी इलाके में 20 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मचा। टिहरी विस्थापित कॉलोनी रोशनाबाद में निकला 20 फीट लंबा अजगर। स्थानीय लोगों ने अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे वनकर्मी संतन सिंह और तालिब ने किया विशालकाय अजगर का रेस्क्यू। तो अजगर का रेस्क्यू कर अपने साथ जंगल में सुरक्षित छोड़ने के लिए ले गए वनकर्मी।
विशाल के अजगर निकलने से हड़कंप मचा, अजगर का रेस्क्यू किया गया और उसे आराम से निकालने से भाई रुको भाई मेरे को ग्लव्स पहन खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री माथवर सिंह कंडारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड के प्रवासियों को रोजगार देने में असफल रही। करीब 6 महीने होने को हैं और प्रवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, जबकि छोटे मोटे काम देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता था। वर्तमान में विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं और सरकार मौन बैठी है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री माथवर सिंह कंडारी पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से खफा होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद से वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और विधानसभा रुद्रप्रयाग से तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी स्वरोजगार योजना के द्वारा हम प्रवासियों को रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री ने भी कहा था हम स्वरोजगार योजना को चालू करेंगे, मगर आज कहीं पर भी स्वरोजगार योजना चालू नहीं है और हमारे प्रवासी भाई जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने अब निर्णय लिया है कि सितंबर के महीने में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो आपने कहा था उसको करिए और स्वरोजगार योजना के लिए धनराशि प्रवासी भाइयों को देने की कृपा करें। देखिए तो वहीं दूसरी तरफ खबर की बात करें तो गौशाला से टकराया रुद्रप्रयाग के अंदर चौपता मोटर मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। सत्रेखाल के अंदर अनियंत्रित होकर गौशाला से टकराया ट्रक, मौके पर ही भैंस की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़ा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़ा तो रुद्रप्रयाग के चौपता मार्ग पर यह हुआ। सत्रेखाल में अनियंत्रित होकर गौशाला से टकराया ट्रक, ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़ा है। रुद्रप्रयाग का यह मामला तो वहीं मसूरी शिफन कोर्ट में प्रशासन और पुलिस की टीम ने एसडीएम मसूरी मनीष कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची तो शिफन कोर्ट में निवास कर रहे लोगों के साथ सभासद गीता कुमाई और सरिता पवार मौके पर पहुंचे और प्रशासन पर अतिक्रमण को हटाने के नाम पर शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों को बार बार परेशान करने का आरोप लगाया गया। सभासद गीता कुमाई और एसडीएम मनीष कुमार में तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम वापस लौट गई। संवाददाता सुनील शोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी जिसका विरोध किया है, क्या कुछ हुआ? जी देखिए, अगर शिफन कोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ शिफन कोर्ट में एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की टीम मौके पर पहुंची है और यहाँ पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों ने इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि 10 सितंबर तक यहाँ पर उनको प्रशासनिक तौर से अनुमति मिली है कि वो 10 सितंबर तक अपने अतिक्रमण को हटा लेंगे। ऐसे में बार बार प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचकर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है और इसी को लेकर काफी विरोध भी हुआ और तीखी नोकझोंक यहाँ पर एसडीएम मसूरी और सभासद गीता कुमाई के बीच में भी हुई। उन्होंने कहा कि एक और अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर लोगों को हैरेस किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर प्रशासनिक टीम आकर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।